हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हेयर विथ यू एंड दिस इज योर इंग्लिश सेशन। प्रीवियस इंग्लिश सेशन में हमने किए थे लुक एट द पिक्चर एंड राइट द वर्ड्स। हमने ए वॉवल से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स देखी थी और उनके नेम लिखे थे, लुक लाइक बैट, रैट, टैप, फैन, हैट, कार। आज हम करेंगे राइमिंग वर्ड्स। आई होप आपने पेज नंबर 46 अपनी बुक में और कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम करेंगे राइमिंग वर्ड्स, पेज नंबर 47। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइमिंग वर्ड। मैंने राइमिंग वर्ड आपको हिंदी में भी करवाए थे। राइमिंग वर्ड का मतलब है वो वर्ड्स जिनका एंडिंग साउंड या एंडिंग वर्ड्स लगभग सेम होते हैं, जिनको बोलते वक्त एक साथ साउंड निकलता है या सुनने में वो एक से लगते हैं, उन्हें हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। आपने हिंदी में भी किए थे, जैसे कि नल, फल, चल, हल। ये सुनने में एक से भी लग रहे हैं और इनका जो आखिरी शब्द वर्ण है वो ल है। इसी तरीके से आज हम इंग्लिश में करेंगे राइमिंग वर्ड, जैसे कि कैप, टैप, तो इसका एंडिंग वर्ड भी ऐप है और इन कैप का एंडिंग वर्ड भी ऐप है। तो जो वर्ड सुनने में एक से लगते हैं उन्हें हम राइमिंग वर्ड कहते हैं और उनका एंडिंग वर्ड सेम होता है। राइट द वर्ड दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड्स। कैप, टैप। सी का फोनिक साउंड है क, ए ए प, क ऐप, कैप। और देखिए पिक्चर किसकी है, लुक एट दिस, दिस इज अ टैप। त ए प, टैप। त ऐप, टैप। ट का टी का फोनिक साउंड है ट, ए का फोनिक साउंड है ए, पी का फोनिक साउंड है प। त ऐप, टैप, कैप, टैप। देखिए इनका एंडिंग वर्ड एक ही जैसा है और इनका जो प्रोनंसिएशन है वो भी लगभग एक सा ही लग रहा है। कैप, टैप, मैप, हैप, ये सभी राइमिंग वर्ड हैं। सेकंड वर्ड देखते हैं, पी का फोनिक साउंड है प, ए, न, प, एन, पेन, प, एन, पेन। ये पेन लिखने वाला नहीं, जिसमें मम्मी खाना बनाती हैं, इसे बोलते हैं पेन, प, एन, पेन। और लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन, पेन, पेन। एफ, फ, ए, न, पेन, पेन, पेन। देखिए लग रहा है ना सुनने में एक साई, तो पेन का राइमिंग वर्ड है पेन, फ, ए, न, पेन, पेन, पेन। ब, ए, ट, बैट। बी का फोनिक साउंड है ब, ए, ट, बैट। देखिए बैट, और व्हाट इज दिस, दिस इज अ रैट, बैट, रैट। बैट का फोनिक, बैट का राइमिंग वर्ड है रैट, क्योंकि दोनों का ही एंडिंग वर्ड ए और टी एट है और इनकी प्रोनंसिएशन लगभग एक सी लग रही है, बैट, रैट। तो ये है राइमिंग वर्ड, बैट, रैट, मैट, फैट, ये है राइमिंग वर्ड। लुक एट दिस, व्हाट इज इट, दिस इज अ जार। ज, अ, र, चार, जार, कार। क, अ, र, कार, जार, कार। ये है फोनिक वर्ड्स, सॉरी राइमिंग वर्ड्स।
जार कार सुनने में एक से लग रहे हैं, तो ये है राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, व्हाट इज दिस। देखिए कितना मोटा है, तो जो मोटा होता है उसे बोलते हैं फैट। फ ए ट फैट, फ एट फैट फैट। और व्हाट इज दिस, दिस इज अ कैट। फैट कैट, क ए ट कैट। तो फैट और कैट ये है राइमिंग वर्ड। फैट कैट मैट हैट, ये सभी राइमिंग वर्ड हैं क्योंकि इनके एंडिंग वर्ड सेम है, एट एट। लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बैग। ब ए ग बैग, बैग। और जो जब हम नए क्लोथ्स लाते हैं या नई कोई भी चीज़ लाते हैं उस पर जो प्राइस का लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस पर इसका प्राइस क्या है, उसे हम कहते हैं टैग। ट ए ग टक, टी का फोनिक साउंड है। ट ए ग टैग, बैग टैग रैग, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। आई होप अब आपको समझ आ गए होंगे। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि सुनने में एक से लगते हैं और जिनके एंडिंग वर्ड लगभग सेम होते हैं। तो अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में सबसे पहले डेट मेंशन करनी है, उसके बाद इसी तरीके से हेडिंग लिखनी है राइमिंग वर्ड्स, और राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं अपनी इंग्लिश नोटबुक में, और पेज नंबर 47 बुक में ही कंप्लीट करना है। लाइक ब एट बैट, र एट रैट, क एट कैट, प एट फैट, ये सभी राइमिंग वर्ड्स हैं। क एप कैप, ट एप टैप, मू एप मैप, कैप टैप मैप, ये राइमिंग वर्ड है। इसी तरीके से प एन पैन, फ एन फैन, ये है राइमिंग वर्ड। आपको इसी तरीके से जो भी मैंने बुक में करवाए हैं वो सभी राइमिंग वर्ड इसमें नोट डाउन करने हैं। ये था आपका होमवर्क, मैंने आपको एग्जांपल के लिए कुछ करके दिखाए। अब आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में इन्हें नोट डाउन करना है और साथ ही साथ इन्हें लर्न भी करना है कि इन कैप का राइमिंग वर्ड क्या है, बैट का राइमिंग वर्ड क्या है, टैग का राइमिंग वर्ड क्या है। तो ये था आपका होमवर्क। विल मीट अगेन, बाय बाय।